मोहम्मद अली भाई लेके जा रहे हैं अब हमें। यहाँ से कितनी देर का रास्ता है मोहम्मद अली भाई? ये उधर है तो तकरीबन 18 किलोमीटर है। अच्छा, तो बाकी ट्रैफिक का है सारे। हाँ, और मैरियट यहाँ से ये रहा ना। हाँ, पैदल 3-4 मिनट। एक ज़बरदस्त सा इवेंट होने जा रहा है, चहल पहल आप देख रहे हैं कि कैसी है, मज़ेदार सी। तो शायद मैं आपको अंदर का वो नहीं दिखा सकूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं और सारी अलग ही शख्सियात हैं जो कि मुनासिब नहीं लगेगा मुझे कि मैं वहाँ पर वीडियो बनाऊँ। यहाँ पे तो बड़ा सीन मज़ेदार सा एंटरटेनमेंट का तड़का लगा हुआ है, इंजॉय कर रहे हैं हम। और ये मैरियट की लॉबी है और हम सब यहाँ बैठकर इंजॉय करने वाले हैं। आप लोग तो मिस करेंगे कि आप लोग दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन हमें पता है कि बड़ा मज़ा आने वाला है यहाँ पर। नादिया कैफे भी कुछ इस तरह का सीन। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि रीना ने आपको कहा हुआ है, हम मौजूद हैं मेरिट इस्लामाबाद में। हमारा एक फ्रेंड प्रोग्राम है यहाँ पर, एक इवेंट है और प्रोफेसर हसन यहाँ बैठी हैं। मैचिंग करके आज मैंने मैचिंग कर रहा हूँ क्या देख रहे हैं बिल्कुल। और अभी फिलहाल कैसे हम बैठकर चाय वगैरह अच्छे लग रहे हैं इंशाल्लाह। दूसरी ये कि हमने ये भी होता है कि यहाँ पर अक्सर जब हम आते थे तो हम यहाँ बैठ कर कॉफ़ी पी रहे थे। जब स्टे होता था हमारा मेरिट इस्लामाबाद में तो ब्रेकफास्ट में बड़ा उधर मुश्किल था, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे कलीग्स वगैरह जो रहते थे बहुत अच्छा लगता था। मगर अब वो लोग आजाद आ रहे हैं कि मज़ा आ रहा है। अभी कुछ लोग हमने जॉइन की मिल भी किए रहे हैं, तो ये भी हमारे साथ चलते रहते हैं, कम कम चलते हैं। तो पुराने बैंड वालों आप फिक्र नहीं करो, फैसलाबाद और मुल्तान के जो इवेंट्स हैं उसमें आप ही हमारे साथ। अच्छा जी, जो आप कहते हैं कि कैसे लग रहे हैं, तो भी तो आप तारीफ करते ही रहते हैं, मतलब जीना क्यों तारीफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं होटल में और अभी हम जा रहे हैं हाशिम हाउस और वहाँ पर हमारी मीटिंग है, लंच है हमारा। और इरफान साहब आ गए हैं और मज़ेदार सी कौन है मैचिंग देख रहे हैं ना आप। अल्लाह, इस सफ़र में तो इरफान ने मुझे इतना खुश किया है ना, ये जो मैं थोड़ी थोड़ी सी मोटी मोटी नज़र आ रही हूँ, ये डेरो पूल जो बड़ा है ना उसकी वजह से हुआ है। पहले खून चूसते थे, अब मैं दे दूंगी। चलो नहीं इस जो में तो मैं यकीन करेंगे, नई नई शादी हुई है और बेगम को जैसे खुश किया जाता है वैसे बंदा खुश करा है। अल्लाह अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे मेरे साथ। मैं आपको दिखाता हूं।
वो हमारी वजह से हमारी वजह से है तो मजेदार चीज है ना। अगर हम नहीं होते आप इसको देखते बताए नहीं देख सकते मैं आपको थोड़ी डिटेल देता हूँ कि अभी हम जाएंगे लंच पर आप उसके बाद मीटिंग है अभी हमारा एक जो है प्लान हो रहा है और वो तो कराची जाने के बाद कराची में जाएंगे फिर दोबारा वहाँ पर कुछ इवेंट्स हैं फिर तो आप दुआ कीजिएगा हमेशा जब हम कराची पाकिस्तान के हर शहर की सर्दी आपको दिखाएंगे किस तरह की दिखाएंगे मैसेज आप बुक कर लीजिए ठीक है ओके अभी मिलते हैं आपको गाड़ी में ऑफिस के मौजूद हैं होटल वन में और अभी एक ज़बरदस्त सा फोटो सेशन हुआ है यहाँ पर यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है आप ये देखें हेलो हाँ तो यहाँ पर आप ज़रूर आइए यहाँ पर जब हम आए तो सुबह में जब ब्रेकफास्ट किया तो हमारी ये भाली खाई मौजूद थे क्या नाम है आपका मुर्तज़ा भाई एक तो नाम इतना प्यारा है और जिससे मैच कर रहा है तो वो तो हमें बहुत ही ज़्यादा अजीज़ हैं तो इन्होंने बहुत ख्याल रखा और ये आपका नाम क्या है अमरीन अमरीन और किरण अमरीन और किरण यहाँ जब मुस्कुराते हुए मेहमानों को डील करती हैं तो यकीन करें कि बहुत अच्छा लगता है तो अगर आप स्टे का इरादा करते हैं और आ रहे हैं इस्लामाबाद तो वो होटल वन ज़रूर ट्राई करें थैंक यू हम आ गए हैं यहाँ पर PSL जो कि हमारा हेड ऑफिस है और यहाँ पर हमारी एक मीटिंग है और वेट कर रहे हैं हमारा तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि क्या हो रहा है तो जनाब ये हम एंटर हो रहे हैं ये है PSL हेड ऑफिस ऑफिस में आ गए अस्सलाम वालेकुम एक छोटी सी मीटिंग हमारी हो चुकी है और एक जानी उसारी है एक छोटा सा ब्रेक आया है और ब्रेक में हम क्या करेंगे पहली सी बातें वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि भाई ये भी ज़रूरी होता है तो यहाँ पर PSL में हमारी ज़बरदस्त मीटिंग चली है मीटिंग में भी एंजॉय मीटिंग मैं कर रहा हूँ ये सब एंजॉय कर रहा हूँ सेल्फी वगैरह सिर्फ सेल्फी और कुछ नहीं हो रहा मीटिंग मैं कर रहा हूँ भाई ये हमारे चेयरमैन साहब का ऑफिस है और हम बड़े एंजॉय करते हुए पूरा मज़े कर रहे हैं और सेल्फी सेशन हो रहा है हमारा चलते हैं भाई हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका कराची में ये देखें कितना ज़बरदस्त प्रोटोकॉल है हम दूर तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं देखें आप झूला 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 अभी मेरे साथ ये तो आएगा एक हमारा होटल जहाँ पे है ये वो आज चार महीने से उनके पास जो है ना चार वाले पास अपनी वही थी मेरे लिए ये हम जा रहे हैं भाई एमडी हाउस और मैडम के मेहमान हैं
excited. They're leaving in like 20, 30 minutes. Nice to see. So nice to see Veena and Irfan. They have two children, maybe. One with more children. Play at the hotels. Anything else? With prayers? With prayers? Today is November 23rd, yeah? Yes. 23. और ये सबसे बड़ा हमारे थैंक यू माशाल्लाह थैंक यू ये लंच हो रहा है और हम यहाँ पर जी के जैसे ये है वो शख्सियत कीमती शख्सियत है ये हमारा कीमती एहसास है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से मुर्तज़ा भाई जैन साहब दो बंजारे दो उड़ते पंछी फिर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं इस्लामाबाद हम जा रहे हैं पहले लाहौर और रात ही रात का होगा फिर सिलसिला भी निकल जाएंगे कराची के लिए इंशाल्लाह तो आप ये दुआएं रहीं तो वो प्रोग्राम भी सक्सेसफुल होगा इंशाल्लाह और वाह इजीली वो तो अब यहाँ से लेके जाएगा यहाँ से लेकर समझ गए आपको चलो ठीक है देख रहे कितनी मेहनत करवाते हैं कितना बोझ सच दुनिया का बोझ हम उठाते हैं देख रहे ये बोझ उठाया मुझे ये है जनाब हमारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट और हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ये लगेज है इसको बहफाजत अच्छे तरीके से मकाम तक पहुंचा दीजिए तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी देर रुके हैं और साहब जो है वो थोड़ा सा बात कर लें तो फिर मसला हल ऐसी साजिशें कर रहे हैं और ये बातें हो रही हैं फराज भाई ये आपकी बातें हो रही हैं फराज हम ये कह रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो और माशाल्लाह और उससे पहले उससे पहले जो बातें इन दोनों ने की है ना वो मैं आपको बता दूंगी आप बिल्कुल एतमाद के साथ भरोसा कर सकते हैं Thank you.
बाहर सी खुशबुएं आ रही हैं कॉफी की, बर्गर्स की। अभी देख रहे हैं पीछे कॉफी प्लैनेट, कबूम। वाह जी, आप क्या कर रहे हैं? राज कर रहा हूँ मैं, यहाँ हूँ, जा रहा हूँ देख लो। आप देख रहे हैं लोग मशीनें खरीदते हैं गोल गोल घूमने के लिए, और मैं देखे ऐसे ही हूँ घुमा देती मैंने। चक्कर आ गए, ये घुमा हुआ शख्स है। अच्छा, इनसे ये मोबाइल इस तरह नहीं पकड़ा जाता, जिसमें आप ये करते हैं यूं करके। अपनी अपनी खासियतें होती हैं, मेरी ये खासियत है। अगर आप घुमा कैसे रहती हैं? नहीं बस ये तो बाएं हाथ काम छोड़ा नहीं आपने। अच्छा, बाएं हाथ रहकर मैं कैसे भूल सकती हूं? मेरा तो दाएं हाथ का, आपका बाएं हाथ का, मेरा दाएं हाथ का। अच्छा, मजाक किस तरफ है ये पता नहीं, मैं बच्चों के एरिया में आ गया था। बना रही हूँ ये एक छोटी सी वीडियो ऐसे करके। आइए प्लीज, मैं आपको सबसे क्यूटी क्यूटी पैसेंजर। कहाँ जाना है आपने? दुबई ले जाएंगे। हाँ, कहाँ जाना है? ओ जी, कितना अच्छा है। अच्छा, मुझे भी साथ लीजिएगा, ये ना कि मैंने मतलब ये लिया हुआ टिकट होगा। अच्छा, ये प्लेन से पहले पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद? नहीं, मतलब प्लेन से पहले पहुंच जाएंगे। अच्छा, ऐसे पहुंचाऊंगी आपको? हाँ, मतलब इसके लिए कोई ठक करके वो होता है, ठा करके। हाँ यूँ ये एक्टिविटी भी रहती है। अच्छा, दोस्तों ये बताता हूँ कि जो हमें दुख मिला था वो दुख ये था कि हम जब कराची से इस्लामाबाद पहुँचे तो हमारा जो कीबोर्ड था वो डैमेज हो गया। जबकि वो डैमेज हो गया और हमारी तीन चार इवेंट से, तो जिसमें हम आपको हर हर दफा हंसते मुस्कुराते हुए कहते कि आखिर में एक दुख है, वो दुख ये था। मगर वो हमने कल ये अलग करम है मैनेज होके सारा, मगर वो एक बड़ा सदमा था उसको। और उसकी मैं जी मैनेजमेंट में सारे हमारे जो स्टाफ वगैरह, मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। मगर ये था कि वो जो दुख था एकदम आपको कोई ऐसा हो जाए जिसमें आप जा रहे हो बाहर डिपेंड कर रहे हो, क्योंकि हमारा यहाँ का एक अलग बैंड होता है उसके लिहाज का। मगर खैर एनीवेज वो बड़ा अच्छा हो गया और उसको मैनेज कर लिया गया, और आपने देखा को हंसते मुस्कुराते हम अपने दुख का आपके साथ शेयर करते। ये हमारी खूबसूरत सी पैसेंजर है, रहे हो क्या नाम बताया उन्होंने अपना? क्या नाम है आपका? चलें ठीक है, अच्छा आप चले, मैं आता हूँ प्लेन में। ठीक है, ओके, बाय बाय। डिस्कवर पाकिस्तान, डिस्कवर पाकिस्तान का आउटफिट है यहाँ। मज़े की चीज़ें हैं, लाइटिंग बड़ी मज़े की है, मैं बड़ी अच्छी आ रही हूँ। यार अच्छे आ रहे हो ना तो वो फिर दिल बन जाता है। ये हमारा गेट नंबर है C5। हमें चल के जाना है आगे थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं मौजूद हूँ इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, और चलते चलते एक खूबसूरत सी फैमिली हमारी हमारे साथ मौजूद है। हमारी प्यारी सी भाभी और भतीजी मुझे मिल गई हैं। अब बोलेंगे कौन है कहाँ है, तो भाई हनीम गौहर भाई हमारे किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बिल्डर और नाम ही काफ़ी है। मेरी प्यारी सी भाभी शाजिया यहाँ मौजूद हैं। कैसी है भाभी? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी जो रिफ्लेक्शन पड़ी है उससे तो मज़ेदार हो गई हूँ मैं। और अभी ये मानसेरा का चक्कर लगा के आई हैं, और क्या खूबसूरत वीडियोज इन्होंने दिखाई हैं, दिल मचल रहा है हमारा। बस नेक्स्ट टाइम आप हमारे साथ हो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और ये इनकी बेटी है, आई नहीं है छुट्टी। और हया आपकी जो बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, बेस्ट
विशेष हया के लिए, खूब तरक्की करो, अल्लाह पाक बहुत कामयाब आमीन 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 आमीन। हया देखो ये सारी बातें चल रही हैं, अब नेक्स्ट जब हम मिल रहे हैं तो पूरी फैमिली के साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई। बचपन की तरह मुझे अभी भी ना जहाज़ देख के एक मज़ा आता है, जैसे हर एक ने अपने बचपन में किया होता है जहाज़ देख के अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टाटा। तो आपने किया है ऐसा कुछ? किया आपने किया है जहाज़ देख के हाथ हिलाना? हाँ पता है हुआ ये कि अभी लास्ट टाइम जब हमने टूर किया तो दुबई गए बच्चों के साथ, फिर वहाँ से उम्र के लिए कसी हर साल कोशिश करते हैं। तो मैं विंडो साइड पर वहाँ पर बैठा था, तो एक प्लेन गुजरा, वो एयरपोर्ट से नज़दीक था हमारा, चलते फिर दूसरा हर एक मिनट बाद ना तो मैं सबको हाथ खिला रहा, तो मेरा बेटा मुझे हौस नहीं खिला हाथ में, वो देख रहे हैं कि भाई क्या हो गया बाबा, फिर उन्होंने भी हाथ लाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आगे आया, उन्होंने देखा कि शायद कोई गेम चल रहा है, उन्होंने भी हाथ लाया। फिर बात आप सो रही थी, आप सो रही थी, सॉरी मैंने बताया ना कि मुझे ना मज़ा आता है, मगर बाद में हमने इतना एंजॉय किया सवारी में ना, मैं सो जाती। तो फिर वो हमारे हरमैन साहब हर वक्त आके बताते बाबा प्लेन जा रहा है, बाय बाय करने बाहर जाता था ऐसे जस्ट के लिए, मगर मज़ा आता बचपन बहुत किया, अभी तक कर रहे हैं। बचपन में होना चाहिए ये, दिल को ना आपने वो बड़े संभाल प्यार से रखना है, और एहतियात क्या है इसकी, आप खुश रहें, हर चीज़ की एहतियात होती है ना, और दिल की एहतियात क्या है कि आप खुश रहें और दूसरों को खुश रखें, जैसे कि ये मुझे रखने की कोशिश करते हैं और मैं इन्हें रखने की कोशिश नहीं करता, मैं तो रखता हूँ, आप कोशिश करते हैं उसको सही करते हैं। मैंने इसी अच्छे से नोट पर हम खत्म करते हैं, खुद ही मतलब इन्होंने ना छेड़ दिया, पंगा लिया। देखे ना मेरी कांपे टांगने लगे हैं। मिलते हैं छोटे से प्लेन, ये हमारा जहाज है। हाँ बच्चों तुम्हें पायलट दिखाए, जी हया कैसी हैं आप, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मज़ेदार चीज़ जो कि मैं भी आपको दिखाने जा रही हूँ कि पाकिस्तानी आवाम है और मासूम लोग होते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें लिखना ज़रूरी होता है। बेल पर बैठना मना है पता है, और मैं इस्लामाबाद वॉशरूम में जाना हुआ मेरा, तो वहाँ पे भी लिखा हुआ था सीट के ऊपर बैठना मना है।